यूपी पुलिस के मिशन क्लीन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटों में 7 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिनमें कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में इन दिनों एनकाउंटर की बाढ़ आ गई है। बदमाशों पर पुलिस दनादन बरस रही है। एक समय बदमाशों के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश माने जाने वाला उत्तर प्रदेश अब उनके लिए कब्रगाह बन गया है। पिछले 24 घंटे में हापुड़, नोएडा और मेरठ में पुलिस की गोली खाकर कई बदमाश घायल हो गए हैं। हापुड़ पुलिस इन दिनों ऑपरेशन क्लीन में जुट गई है। बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर उनके सही अंजाम तक पहुंचा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो वे पुलिस पर दनादन गोलियां बरसाने लगे, लेकिन बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। एक सूचना थी कि कुछ बदमाश सफेद रंग के अपाचे से जा रहे हैं, तो उसी सूचना पर बाबूगढ़ पुलिस ने पीछा किया और आसपास के थानों को भी सूचना दी गई, फिर उनकी घेराबंदी कराई गई। यहाँ नहर के किनारे मुठभेड़ उनसे हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश में घायल हुआ है, दूसरा बदमाश भाग गया है। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम है खालिद है। जानकारी अभी मिली है कि ये हमारे यहाँ बाबूगढ़ में हाफीपुर में इसने कुंडल छीनने की घटना पूर्व में की है तथा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसका जो साथी भाग गया है इकराम, उसकी काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इधर दिल्ली से सटे नोएडा में भी बदमाशों पर पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देखिए, नोएडा में आज देर रात थाना फेस टू पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया। उस बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उस बदमाश का नाम सुदेश उर्फ हेमराज है, जो 20,000 का इनामिया भी है। अभी 31 अगस्त को जो हमारे यहाँ से वैगनार गाड़ी लूटी गई थी, उस मुकदमे में भी वो वांछित चल रहा था। इसके उपरांत 2 दिन बाद जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 शातिर बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे इसी मुकदमे के संबंध में, उसमें भी ये वांछित चल रहा था। वहीं मेरठ में भी इन दिनों बदमाशों के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कंकड़खेड़ा में आज लगभग शाम को 7 बजे डिफेंस कॉलोनी में अंजू नाम की एक महिला टहल रही थी, पीछे से काली बाइक सवार 2 युवक आए, उन्होंने उसका कुंडल छीन लिया। इसके बाद चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी दौराड़ा के नेतृत्व में उनके सर्किल की प्रभावी तरीके से चेकिंग हो रही थी। उसी समय कंकड़खेड़ा इंस्पेक्टर को 2 संदिग्ध व्यक्ति LIC मैदान की तरफ जाते हुए दिखे बाइक से। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मैदान की तरफ अंदर झाड़ झंकार की ओर बढ़ गए। इनके द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर बदमाश बाइक छोड़कर तुरंत बाउंड्री कार्ड लेकर पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिए। पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई किया, जिसमें 2 जो युवक थे वो घायल हुए। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नितिन और अमन बताया और उनके द्वारा पूछताछ से भी पता चला कि डिफेंस कॉलोनी में अंजू नाम की महिला के साथ जो कुंडल छीना गया था, इन्हीं के द्वारा छीना गया है। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद CM योगी ने बदमाशों को अपराध छोड़ने की खुली चेतावनी दी थी। CM की नसीहत सुनकर जो सुधर गए वो बच गए। जिन्होंने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा, वे या तो आज मारे जा चुके हैं या फिर जेल की हवा खा रहे हैं। हापुड़ से सुनील गिरी, नोएडा से नितिन चौधरी और मेरठ से आदित्य गुप्ता, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।